दोस्तों पहले तो अमेरिका की टीम को अपनी धरती पर भारतीय टीम के हाथों हार का सामना करना पड़ा, लेकिन दोस्तों अब हार के बावजूद भी बीसीसीआई ने अमेरिका की टीम पर लगाया इतने करोड़ रुपए का जुर्माना और 2 साल का प्रतिबंध। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं क्या है पूरी खबर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, बीते कल भारतीय टीम का सामना हुआ T20 वर्ल्ड कप 2024 में अमेरिका से, जिसमें अमेरिका की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने केवल 110 रन के स्कोर पर ही रोक दिया, जिसमें सबसे ज्यादा एनआर कुमार ने 27 रन का योगदान दिया। मगर दोस्तों भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी कराते हुए सबसे ज्यादा हरदीप सिंह ने 4 विकेट चटकाए, लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए इंडिया की टीम जब मैदान पर आई तो इंडिया की शुरुआत काफी खराब रही, क्योंकि दोस्तों 10 रन के स्कोर तक 2 विकेट उड़ चुके थे। उसके बाद दोस्तों ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले को भारतीय टीम नहीं चेज कर पाएगी, मगर दोस्तों सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे की भयंकर बल्लेबाजी से इस मुकाबले को भारतीय टीम ने 18.2 ओवर तक जीत लिया 111 रन स्कोर पर लगाकर, और इस मुकाबले को 7 विकेट से जीता। मगर दोस्तों आपको बता दें, पहले तो अमेरिका की टीम को भारतीय टीम के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन दोस्तों अब स्लो ओवर रेट के चलते बीसीसीआई ने अमेरिका की टीम पर बड़ा जुर्माना लगा दिया, क्योंकि दोस्तों स्लो ओवर रेट होता है एक निश्चित टाइम के अंदर दोनों टीमों को ओवर फेंकने होते हैं, मगर अमेरिका की टीम इस कारनामे को करने में सिर्फ 5 मिनट लेट हो गई, और 5 मिनट लेट होने के चक्कर में बड़ा जुर्माना लग गया।